हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बस आज हमारा प्लान था थोड़ा मूवी वगैरह देखने जाने का, तो बस हम गए थे बाय ट्रेन। तो सबसे पहले तो हमने मानसरोवर स्टेशन से ट्रेन ली और ट्रेन करके हम आए थे सीवुड। और सीवुड रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ पे हम उतरे थे। और ये सीवुड रेलवे स्टेशन का रास्ता ना जो मॉल के अंदर से ही होके निकलता है, तो बस हम स्टेशन से उतरने के बाद सीधा ही मॉल में एंटर हो गए थे। तो ये बिग बाज़ार है नीचे पोशन में। तो बस हम यहाँ से निकलते हुए ऊपर गए। सीवुड मॉल है ना जो बहुत ही बड़ा मॉल है और बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए। आप काफ़ी शॉप, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड भी हैं यहाँ पे। आपको जिस भी ब्रांड का कुछ भी बाय करना हो तो काफ़ी सारे ब्रांड, और वैसे भी ये इतना बड़ा है कि आप घूमते घूमते ही थक जाओगे, पर मॉल है जो ख़त्म नहीं होता। तो हमने लास्ट शो की जो बुकिंग करवाई थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी देखने में, हिस्टोरिक मतलब रिलीजियस मूवी थी। तो बस हम वही देखने जा रहे थे, मस्ताने मूवी। तो हम सीवुड मॉल में एंटर हुए और अराउंड 7:30 के अराउंड हम मॉल में पहुंचे थे। तो हमारा जो शो था मूवी का वो 8 o'clock स्टार्ट होने वाला था। तो बस हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मॉल तक, मतलब अपने थिएटर तक ही पहुँचे। एक्चुअली मुझे मॉल वगैरह में जाना बहुत पसंद है, मुझे मींस एक अट्रैक्शंस होती है ना, वो ऐसे वाला है कि मॉल में जाके मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे मॉल जाना बहुत पसंद है। आपको किस किस को मॉल में जाना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जाना मॉल में। तो बस हम पहुंचने वाले हैं, ये जो थिएटर है वो लास्ट फ्लोर पे था। तो बस हम पहुंच गए थे। ये लास्ट फ्लोर से जो मॉल का व्यू है कुछ ऐसा दिख रहा था, बहुत ही अच्छा। लाइटिंग रात के टाइम में आपको पता ही है, लाइटिंग बहुत अट्रैक्ट करती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम सीधा पहुंचे थिएटर की तरफ। हमने टिकट तो ऑनलाइन ही बुक करवा रखी थी, पर फिर भी उसमें लिखा रहा था कि हमें ऑफलाइन भी टिकट मतलब लेना पड़ेगा दिखा के मैसेज। तो बस हम ये बच्चों के लिए काफ़ी टॉयज़ वगैरह भी हैं, बसेस वगैरह भी चलती हैं अंदर, बच्चे घूमते फिरते हैं। तो बस मैं थोड़ा आगे गई थी तो इधर थोड़ा म्यूज़िक चल रहा था, तो बस वो देखा। तो ये है सिनेपोलिस थिएटर। तो बस हम अंदर एंटर किए और टिकट यहाँ पे हमने लेने लगे तो ऑफलाइन, तो उन्होंने बोला ये कि यही फ़ोन पे चलेगा। तो बस हमने फ़ोन पे टिकट दिखा के हम एंटर हो गए थे अंदर। तो बस एंटर होने के बाद जो कुछ शॉप थी, आप मीन्स पॉपकॉर्न कॉफ़ी वगैरह यहाँ से ले सकते हो, तो बस ये शॉप थी। और उसके बाद अंदर काफ़ी बड़ा था अंदर से भी, तो इसके अंदर गए और हमारा जो शो था 8 o'clock स्टार्ट होने वाला था, तो हमने थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के वेट की।
तो बस 8 o'clock हो गया था, तो हमें एंट्री दे दी थी अंदर। अंदर से भी जो थिएटर था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मीन्स स्पेशियस था, अच्छा था बैठने के लिए भी, और सीट्स भी जो कंफर्टेबल थी। तो बस हम अंदर एंटर हुए तो हमारी सीट्स थी F4 F3। एक्चुअली हमने प्लान काफ़ी लेट बना था, तो हमें सीट यही अवेलेबल थी, तो हमने यही ली। तो बस अपनी सीट पे बैठ गए थे, और लाइटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी अंदर। तो बस बादशाह मूवी स्टार्ट लुकाई हो गई थी, दैना तो हो हमने गया कि मूवी इंजॉय नौजवाने की। होर धारण करके सिक्खी दा बूटा सिंज दे रहे एक्चुअली मूवी जो थी रिलीज, शब्द मूवी थी ते अन्न दे काफ़ी लंगर। प्लान में चल रही थी, मस्तानी मूवी, तो हमने वो देखी। पंजाबी मूवी तुम थी, एक बार अच्छी ये लगी सुरमा देखने में, मुझे मीन्स डाल एवरेज थी, हमें ये ठीक ठाक तुम्हारी लगी थी। चालीस वो नजरें देखने खातिर देखी, मान हमने जाबी इंजॉय किया। शीशी वल्ला शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज है। तो बस मूवी खत्म हुई, हम निकलने वाले थे बाहर। तो मूवी है जो 11 o'clock तक चली थी, 11 o'clock तक खत्म हुई। तो बस मूवी देखने के बाद बाहर आए तो सारा मॉल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, जो ये लास्ट शो के पर्सन थे वो ही थे। तो बस जब लोग अपनी शॉप्स वगैरह बंद कर रहे थे, तो बस हम तो बस हमने बाहर आके कैब बुक की और बस घर पहुंच गए थे। आप देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर से, लाइटिंग का बहुत मीन्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताना। बस यही था हमारा संडे का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।